महाराष्ट्रातील सर्व बंधू भगिनींना माझा नमस्कार। आज मुझे महाराष्ट्र और मुंबई के लिए 30,000 करोड़ रुपए के प्रोजेक्ट के शिलान्यास और लोकार्पण का अवसर मिला है। इन प्रोजेक्ट से मुंबई और आसपास के क्षेत्रों की कनेक्टिविटी और बेहतर होगी। इनमें रोड और रेल परियोजनाओं के अलावा महाराष्ट्र के नौजवानों के कौशल विकास की बहुत बड़ी योजना भी शामिल है। इनसे महाराष्ट्र में बड़ी संख्या में रोजगार का निर्माण भी होगा। आपने शायद अखबारों में पढ़ा होगा, टीवी पे देखा होगा, 2-3 सप्ताह पहले ही केंद्र सरकार ने महाराष्ट्र के लिए वधावन पोर्ट को भी स्वीकृति दी। 76,000 करोड़ रुपये, 76,000 करोड़ रुपीज के इस प्रोजेक्ट से यहां 10 लाख से ज्यादा रोजगार बनेंगे। साथियों, बीते एक महीने से मुंबई देश विदेश के निवेशकों के उत्सव की साक्षी बनी है। छोटे बड़े हर निवेशक ने हमारी सरकार के तीसरे टर्म का उत्साह से स्वागत किया है। लोग जानते हैं कि एनडीए सरकार ही स्थिरता दे सकती है, स्थायित्व दे सकती है। तीसरी बार शपथ लेने के बाद मैंने कहा था कि तीसरे टर्म में एनडीए सरकार 3 गुना तेजी से काम करेगी और आज ये हम होते हुए देख रहे हैं। साथियों, महाराष्ट्र के पास गौरवशाली इतिहास है, महाराष्ट्र के पास सशक्त वर्तमान है और महाराष्ट्र के पास समृद्ध भविष्य का सपना है। महाराष्ट्र वो राज्य है जिसकी विकसित भारत के निर्माण में बहुत बड़ी भूमिका है। महाराष्ट्र के पास इंडस्ट्री की पावर है, महाराष्ट्र के पास एग्रीकल्चर की पावर है, महाराष्ट्र के पास फाइनेंस सेक्टर की पावर है। इसी पावर ने मुंबई को देश का फाइनेंशियल हब बनाया है। अब मेरा लक्ष्य है महाराष्ट्र की इसी पावर से महाराष्ट्र को दुनिया का बड़ा आर्थिक पावर हाउस बनाने का। मेरा लक्ष्य है मुंबई को दुनिया की फिनटेक कैपिटल बनाने का। मैं चाहता हूं महाराष्ट्र टूरिज्म में भारत में नंबर 1 राज्य बने। यहां छत्रपति शिवाजी महाराज के
शौर्य के साक्षी विशाल किले हैं। यहां कोंकण के समुद्री तटों का मनमोहक दृश्य है। यहां सह्याद्री की पहाड़ियां पर सफर का रोमांच है। यहां कॉन्फ्रेंस टूरिज्म और मेडिकल टूरिज्म की अपार संभावनाएं हैं। भारत में विकास की नई गाथा लिखने जा रहा है महाराष्ट्र, और हम सभी इसके सहयात्री हैं। आज का ये कार्यक्रम महायुति सरकार के इन्हीं लक्ष्यों को समर्पित है। साथियों, 21वीं सदी के भारत की आकांक्षाएं, भारत के एस्पिरेशंस इस समय बहुत ऊंचे स्तर पर हैं। इस सदी के करीब करीब 25 साल बीत चुके हैं। देश की जनता लगातार तेज विकास चाहती है। अगले 25 वर्ष में भारत को विकसित बनाना चाहती है, और इसमें मुंबई की, महाराष्ट्र की भूमिका बहुत बड़ी है। महाराष्ट्र में, मुंबई में सबका जीवन स्तर सुधरे, यहां क्वालिटी ऑफ लाइफ बेहतरीन हो, यह हमारा ध्येय है। इसलिए मुंबई के आसपास के क्षेत्रों की कनेक्टिविटी को बेहतर करने का प्रयास किया जा रहा है। मुंबई में कोस्टल रोड और अटल सेतु अब पूरे हो चुके हैं, और आपको याद होगा जब अटल सेतु बन रहा था तो इसके विरोध में भांति भांति की बातें फैलाई गई। इसको अटकाने लटकाने के लिए कोशिशें हुई, लेकिन आज इससे कितना फायदा हो रहा है ये हर कोई अनुभव कर रहा है। मुझे बताया गया करीब करीब 20,000 गाड़ियां हर रोज इसका इस्तेमाल कर रही है, और एक अनुमान है कि अटल सेतु की वजह से हर रोज 20-25 लाख रुपए का ईंधन बच रहा है। और इतना ही नहीं, लोगों को पनवेल जाने में अब करीब 45 मिनट कम लगता है, यानी समय का फायदा और पर्यावरण का फायदा। इसी अप्रोच के साथ हम मुंबई के ट्रांसपोर्ट सिस्टम को आधुनिक बना रहे हैं। मुंबई मेट्रो के विस्तार का काम भी तेज गति से चल रहा है। 10 वर्ष पहले मुंबई में सिर्फ 8 किलोमीटर ही मेट्रो लाइन थी, 10 साल पहले सिर्फ 8 किलोमीटर, जबकि आज ये करीब करीब 80 किलोमीटर पहुंच चुकी है। इतना ही नहीं, मुंबई में अभी लगभग 200 किलोमीटर मेट्रो नेटवर्क पर काम चल रहा है। साथियों, आज भारतीय रेल का जो कायाकल्प हो रहा है उसका मुंबई को, महाराष्ट्र को भी बहुत लाभ हो रहा है। छत्रपति शिवाजी महाराज टर्मिनस, नागपुर और अजनी स्टेशन का रीडेवलपमेंट,
तेज गति से प्रगति पर है। आज छत्रपति शिवाजी महाराज टर्मिनस और लोकमान्य तिलक स्टेशन पर नए प्लेटफॉर्म का लोकार्पण भी हुआ है। इससे 24 कोच वाली ट्रेनें यानी लंबी ट्रेनें भी यहां से चल पाएगी। साथियों, बीते 10 साल में महाराष्ट्र में नेशनल हाईवे की लंबाई बढ़कर 3 गुना हो चुकी है। गोरेगांव मुलुंड लिंक रोड प्रोजेक्ट प्रगति और प्रकृति के तालमेल का शानदार उदाहरण है। आज ठाणे से बोरीवली के ट्विन टनल प्रोजेक्ट पर भी काम शुरू हो रहा है। इससे ठाणे और बोरीवली के बीच की दूरी कुछ ही मिनटों तक सिमट जाएगी। एनडीए सरकार का ये भी निरंतर प्रयास है कि हमारे तीर्थों का विकास हो, तीर्थ यात्राओं में सुविधाएं बढ़ती रहें। हम सब जानते हैं इस समय पंढरपुर वारी में लाखों श्रद्धालु पूरे भक्ति भाव से हिस्सा ले रहे हैं। पुणे से पंढरपुर की यात्रा सुगम हो, श्रद्धालुओं को सुविधाएं मिले, इसकी चिंता एनडीए सरकार ने की है। संत ज्ञानेश्वर पालखी मार्ग करीब 200 किलोमीटर पूरा हो चुका है। संत तुकाराम पालखी मार्ग भी 110 किलोमीटर से ज्यादा पूरा किया जा चुका है। बहुत ही जल्द ये दोनों मार्ग भी यात्रियों की सेवा के लिए तैयार हो जाएंगे। सर्व वारकरणा भी अतिशय मनापसून शुभेच्छा देतो आणी पंढरीच्या विठ्ठलाला कोटी कोटी नमन करतो। भाई और बहनों, कनेक्टिविटी के ऐसे इंफ्रास्ट्रक्चर, इससे पर्यटन, खेती और उद्योग सभी को लाभ हो रहा है। इससे रोजगार के नए अवसर बन रहे हैं। जब अच्छी कनेक्टिविटी होती है तो उससे महिलाओं को सुविधा, सुरक्षा और सम्मान भी मिलता है। यानी एनडीए सरकार के ये काम गरीब, किसान, नारी शक्ति और युवा शक्ति को सशक्त कर रहे हैं। महाराष्ट्र की महायुति की सरकार भी इसी प्रतिबद्धता के साथ काम कर रही है। मुझे खुशी है कि महाराष्ट्र सरकार ने हर साल 10 लाख नौजवानों को स्किल ट्रेनिंग देने का संकल्प लिया है। मुख्यमंत्री युवा कार्य प्रशिक्षण योजना के तहत ट्रेनिंग के दौरान स्कॉलरशिप भी दी जा रही है। साथियों, भारत में बहुत बड़ी संख्या में स्किल डेवलपमेंट और रोजगार, ये हमारी जरूरत है। हमारी सरकार निरंतर इस दिशा में काम कर रही है। बीते 4-5 साल के दौरान कोरोना जैसे महासंकट के बावजूद भारत में रिकॉर्ड रोजगार बने हैं। हाल में आरबीआई ने रोजगार पर एक विस्तृत रिपोर्ट जारी की है। इस रिपोर्ट के अनुसार
बीते 3-4 सालों में देश में लगभग 8 करोड़ नए रोजगार मिले हैं। इन आंकड़ों ने रोजगार को लेकर झूठे नैरेटिव गढ़ने वालों की बोलती बंद कर दी है। ये झूठे नैरेटिव वाले निवेश के दुश्मन हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर निर्माण के दुश्मन हैं, भारत के विकास के दुश्मन हैं। इनकी हर नीति युवाओं से विश्वासघात और रोजगार को रोकने वाली है। और अब इनकी पोल खुल रही है, भारत की समझदार जनता इनके हर झूठ हर प्रपंच को नकार रही है। जब कहीं पुल बनता है, रेलवे ट्रैक बनता है, सड़क बनती है, लोकल ट्रेन का डिब्बा बनता है, तो किसी न किसी को रोजगार मिलता ही है। भारत में जैसे जैसे इंफ्रास्ट्रक्चर निर्माण की गति तेज हो रही है, रोजगार निर्माण की गति भी बढ़ रही है। आने वाले समय में नए निवेश के साथ ये अवसर और ज्यादा बढ़ने वाले हैं। साथियों, एनडीए सरकार के विकास का मॉडल वंचितों को वरीयता देने का रहा है। जो दशकों से अंतिम पंक्ति पर रहे हैं, उनको हम प्राथमिकता दे रहे हैं। नई सरकार के शपथ लेते ही हमने गरीबों के लिए पक्के घर और किसानों से जुड़े बड़े फैसले लिए हैं। अभी तक 4 करोड़ गरीबों को पक्के घर मिल चुके हैं। आने वाले सालों में 3 करोड़ और गरीब परिवारों को पक्के घर मिलेंगे। इनमें महाराष्ट्र के भी लाखों गरीब, दलित, पिछड़े, आदिवासी परिवार शामिल है। एक अच्छा आवास हर परिवार की जरूरत ही नहीं बल्कि उसकी गरिमा से भी जुड़ा है। इसलिए हम शहरों में रहने वाले गरीब और मध्यम वर्ग दोनों के घर का सपना पूरा करने में जुटे हैं। साथियों, रेहड़ी फुटपाथ वाले साथियों को भी गरिमापूर्ण जीवन मिले, ये हमारा कमिटमेंट है। इसमें स्वनिधि योजना बहुत काम आ रही है। इस योजना के तहत अभी तक 90 लाख लोन स्वीकृत किए जा चुके हैं। इसमें से करीब 13 लाख लोन यहां महाराष्ट्र के साथियों को मिले हैं। मुंबई में भी रेहड़ी पटरी लगाने वाले 1.5 लाख साथियों को स्वनिधि योजना का लाभ मिला है। बैंकों से मिल रही स्वनिधि की मदद इनके कारोबार को मजबूत कर रही है। और एक स्टडी कहती है कि जो लोग भी स्वनिधि योजना से जुड़े हैं, उनकी हर महीने कमाई करीब 2000 रुपये तक बढ़ गई है। मतलब साल में 20-25 हजार रुपया अतिरिक्त कमाई बढ़ी है। साथियों, स्वनिधि योजना की एक और विशेषता का मैं जिक्र आपसे करना चाहता हूं। इस योजना के तहत लोन लेने वाले
मेरे रेहड़ी पटरी ठेले वाले भाई बहन जो लोन ले रहे हैं वो ईमानदारी से पूरा का पूरा लोन लौटा भी रहे हैं, और ये हैं मेरे गरीब का स्वाभिमान, ये हैं मेरे गरीब भाई बहनों की शक्ति। और आप ये जानकर हैरान रह जाएंगे कि स्वनिधि के लाभार्थी अब तक 3.25 लाख करोड़ रुपए का डिजिटल लेनदेन कर चुके हैं। यानी ये डिजिटल इंडिया को भी अपने काम से बल दे रहे हैं, भारत को नई पहचान दे रहे हैं। साथियों, महाराष्ट्र ने भारत में सांस्कृतिक, सामाजिक और राष्ट्रवाद की चेतना का भी संचार किया है। छत्रपति शिवाजी महाराज, बाबा साहब आंबेडकर, महात्मा ज्योतिबा फुले, सावित्रीबाई फुले, अन्ना भाऊ साठे, लोकमान्य तिलक, वीर सावरकर, ऐसी अनेक अनगिनत महान संतानों की विरासत यहां की धरती में है। महाराष्ट्र की महान संतानों ने जिस प्रकार के समृद्ध समाज, जिस प्रकार के सशक्त राष्ट्र की कल्पना की थी, हमें उस दिशा में ही आगे बढ़ना है। हमें याद रखना है कि सद्भाव और सौहार्द में ही समृद्धि का रास्ता निहित है। इसी भावना के साथ एक बार फिर इन विकास कार्यों के लिए आप सबको बहुत बहुत बधाई।